आउज़ बिल्लाह मिन शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। वेलकम टू आवर चैनल स्टूडेंट की दुनिया। जैसा कि आप लोग जानते हैं, स्टूडेंट्स के मुतल्लिक कोई भी अहम नोटिफिकेशन जारी किया जाता है या कोई भी अहम डिसीजन लिया जाता है, वो सबसे पहले आपके साथ इस चैनल के ऊपर हम लोग शेयर करते हैं। आज मैं हम आपके साथ 2022 के एग्जाम की पेयरिंग स्कीम केमिस्ट्री की FSC की पार्ट वन की आपके साथ शेयर करने वाले हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, ताकि इस तरह की कोई भी अहम नोटिफिकेशन जारी होता है वो तब तो सबसे पहले आपके साथ पहुँच जाए। चलिए जी, हम अपनी सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारे पास एग्जाम की पेयरिंग स्कीम आती है उसकी क्या तरतीब होती है। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर वन होता है। क्वेश्चन नंबर वन में क्या होता है, MCQs होते हैं। पहले ये होता था कि हर चैप्टर में से, अब क्योंकि टोटल जो हमारे MCQs हैं उनमें उन्होंने थोड़ी तब्दीली की है। वो तब्दीली क्या किया है कि एक एक चैप्टर में से कुछ चैप्टरों में से दो दो MCQs ले लिए हैं, कुछ चैप्टर में से एक एक MCQs ले लिया है। अब आप लोग देख सकते हैं कि इस साइड पर शो हो रहा है कि किस किस के MCQ से। अब देखिए, चैप्टर नंबर वन से लेकर सिक्स तक दो दो MCQs लिए गए हैं, यानी चैप्टर नंबर वन से लेकर सिक्स तक हर चैप्टर से दो दो MCQs लिए गए हैं, जबकि हमारे पास चैप्टर नंबर सेवन से इलेवन तक सिर्फ एक एक MCQs लिया गया है। MCQs हमारे इस तरह से कंप्लीट हो जाते हैं कि छः चैप्टर में से अगर दो दो MCQs लिए जाएँ तो 12 MCQs उस तरह से क्लियर हो जाते हैं। 12 के बाद सातवें चैप्टर से लेकर 11वें चैप्टर तक एक एक MCQ ध्यान से लिया जाता है। ये हमारे पास MCQs वाला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर टू हमारे पास आता है शॉर्ट क्वेश्चन का, जिसमें से हमें 12 मिलते हैं और हमने 8 अटैम्प्ट करने होते हैं उसमें से। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस चैप्टर से कौन से कितने MCQs आए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आए हैं। चैप्टर नंबर वन में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आए हैं, चैप्टर नंबर वन में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर टू में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 3 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 8 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन। यानी कुल मिला के 12 शॉर्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, जिनमें से हमने 8 अटैम्प्ट करने होते हैं। अब अगर हम बात करें कि हमने सिर्फ 8 अटैम्प्ट करने हैं, तो अगर हमारे पास चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 अगर शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से क्लियर हो, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है वो क्लियर हो सकता है। इसी के साथ अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 3 होता है वो भी शॉर्ट क्वेश्चन का होता है। ये भी 12 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से हमने 8 शॉर्ट क्वेश्चन करने होते हैं। ये पेयरिंग स्कीम नई है, तो इसमें थोड़ा सा रद्दबदल हो सकता है। यानी पिछली मरतबा जो हमारे पास 2021 में 2021 में जो पेयरिंग स्कीम थी वो इस बार नहीं है। इस बार 2022 की न्यू पेयरिंग स्कीम आई है, जो थोड़ी सी चेंज है। तो आप लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 जो है 12 शॉर्ट क्वेश्चन, इसमें से हम लोगों ने करने हैं सिर्फ और सिर्फ 4। अब ये चैप्टर नंबर 4 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 5 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। यानी अगर हमें चैप्टर नंबर 4 और 5 याद हो, तो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन भी क्लियर हो सकते हैं। अब चैप्टर नंबर 9 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 11 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। यानी अगर हम इस लिहाज से तैयारी करें कि चैप्टर नंबर 4 और 5 हमें याद हो शॉर्ट क्वेश्चन के बारे से, तो हमारा ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो सकता है। उसके साथ क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, तो हमारे पास 9 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 6 करने हैं। 9 में से सिर्फ और सिर्फ 6 करने हैं। चैप्टर नंबर 6 में से 4 क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 7 में से 3 क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 10 में से 2 क्वेश्चन। यानी ये 3 चैप्टर हैं। अगर इनमें से हमारे पास 2 चैप्टर भी हमें याद हो, चैप्टर नंबर 6 और 7 याद हो, तो फिर भी हम इजीली 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग इस तरह करना चाहते हैं कि हमारे पास चैप्टर नंबर 6 और 10 भी आप लोग इकट्ठा याद कर लें, तो आपका ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग जाते हैं क्वेश्चन नंबर, हमारे पास जो होता है 5, 6, 7 और 8, यानी हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन की बारी आ गई है। लॉन्ग क्वेश्चन अगर हम देखें, तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर आएगा 6, वो देखने के काबिल है कि उसमें से भी थोड़ी सी चेंजिंग की गई है। टोटल हमारे पास आते हैं, टोटल अगर हम देखें तो हमारे पास वैसे तो टोटल हमारे पास 5 होते हैं, जिसमें से हम लोगों ने 3 अटैम्प्ट करने होते हैं। 3 अटैम्प्ट करने होते हैं, टोटल हमारे पास 5 होते हैं, जिनमें से हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 3 अटैम्प्ट करने होते हैं। अगर हम बात करें कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 6 है ना, वो चैप्टर नंबर 3 और 10 में से आ रहा है। यानी अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की,
तो लॉन्ग क्वेश्चन जो हमारे पास आएगा ना, वो चैप्टर नंबर 3 का न्यूमेरिकल आएगा और चैप्टर नंबर 10 में से थ्योरी आएगी। क्वेश्चन नंबर 6 एक न्यूमेरिकल एक थ्योरी, चैप्टर नंबर 3 में से न्यूमेरिकल, 10 में से थ्योरी। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 में से ही सिर्फ और सिर्फ थ्योरी का एग्जाम आएगा, यानी उसमें न्यूमेरिकल नहीं है। यानी आपको ना चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल करने की ज़रूरत है और ना ही चैप्टर नंबर 7 के न्यूमेरिकल करने की ज़रूरत है। अगर आप लोग सिर्फ इनकी थ्योरी कर लेते हैं तो आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 आ गया है, इसमें चैप्टर नंबर 4 की थ्योरी है और चैप्टर नंबर 8 का न्यूमेरिकल है। चैप्टर नंबर 4 की थ्योरी, चैप्टर नंबर 8 का न्यूमेरिकल। और क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास है चैप्टर नंबर 9 का भी थ्योरी है और चैप्टर नंबर 11 की भी थ्योरी है। आई होप कि आपको हमारी ये तमाम जो हमने आपको आपके साथ शेयर की है पेयरिंग स्कीम की समझ आ गई होगी। सबसे पहले आप लोगों ने ये देखना है कि आपको कौन कौन सा चैप्टर आता है और किस किस पेयरिंग स्कीम से आप तैयार करना चाहते हैं। ये पेयरिंग स्कीम लाहौर बोर्ड की तरफ से ही इशू की गई है। सुबह पंजाब भर में जितने भी एग्जाम होंगे वो सब के सब इस पेयरिंग स्कीम से ही लिए जाएंगे। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अपना सवाल पूछ सकते हैं, हम इंशाल्लाह आपको उसका जवाब भी देंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी टीम का हिस्सा बने ताकि इलम को और फैलाया जाए। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि ये हो जाएगा ये वो हो जाएगा तो सोचने की कोई ज़रूरत नहीं, अब टाइम सिर्फ और सिर्फ तैयारी करने का है। आई होप कि आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। अल्लाह ताला आपको और मुझे इम्तिहान में कामयाबी से नवाजे। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।